दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। बता दें कि दिल्ली में घुस नहीं पाएंगे किसान, टिकरी बॉर्डर पर लगाए गए नुकीले कीले, बैरिकेड्स भी मजबूत। जी हाँ बता दें कि टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है। पहले यहाँ पर सीसी की दीवार बनाई गई थी, 7 लेयर में बैरिकेटिंग कर रखी थी, मगर अब सड़क खोद कर उसमें लंबी लंबी कीले व नुकीले सरिया लगा दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर और भी मजबूत कर दिया गया है। बॉर्डर पर रोड रोलर भी अब खड़े कर दिए गए हैं ताकि किसान अगर कि दिल्ली में घुसने का प्रयास करें तो उन्हें रोकने के लिए रोड रोलर को सड़क पर खड़ा किया जा सके। यहाँ पर कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बॉर्डर पर ही थी। इसके बाद टिकरी कला गांव तक जगह जगह बैरिकेटिंग की दीवार खड़ी कर दी थी। टिकरी बॉर्डर पर ही दिल्ली पुलिस की ओर से सीसी की दीवार बना दी गई थी। 4 फीट मोटी ये दीवार बनाई गई है। इसके 10 कदम पर दिल्ली की तरफ MCD टोल के पास बॉर्डर पर ही सड़क खोद कर उसकी जगह पर सीमेंट में लोहे की कीले लगवा दी गई है। साथ ही लोहे के सरिया नुकीले बनवा कर यहाँ पर लगवा दिए गए हैं ताकि कोई भी वाहन यहाँ से गुजर ना सके। यहाँ से लोगों के आने जाने में भी काफी परेशानी होगी। अगर किसान ट्रैक्टर लेकर यहाँ से दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे तो कीलों की वजह से वाहन का पंक्चर हो जाएगा, पूरा टायर खराब हो जाएगा, यहाँ से निकलना अब मुश्किल होगा। बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की 15 कंपनियां पहले से ही तैनात है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के बाद यहाँ हर रोज सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। इसी कड़ी में लोहे की कीले लगाई गई हैं। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि 6 फरवरी को देश भर में 3 घंटे के लिए होगा चक्का जाम, किसान संगठनों ने किया ऐलान। जी हाँ बता दें कि किसान यूनियनों ने 6 फरवरी को चक्का जाम किए जाने के सोमवार को घोषणा की। वे अपने आंदोलन स्थलों के निकट क्षेत्रों में इंटरनेट प्रतिबंध अधिकारियों द्वारा कथित रूप से उत्पीड़न करने और अन्य मुद्दों के खिलाफ 3 घंटे तक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को अवरुद्ध कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। यूनियन के नेताओं ने यहां सिंघू बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे 6 फरवरी की दोपहर 12 बजे से अपराह्न 3 बजे तक सड़कों को अवरुद्ध करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट 2021 और 22 में किसानों की अनदेखी की गई है और उनके विरोध स्थलों पर पानी और बिजली की आपूर्ति को बंद कर दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी आरोप लगाया कि किसान एकता मोर्चा के ट्विटर अकाउंट और ट्रैक्टर टू ट्विटर नाम के एक उपयोगकर्ता को प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि ट्विटर अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई सरकारी अधिकारियों के अनुरोध पर की गई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस बजट में कृषि क्षेत्र के आवंटन को कम कर दिया गया है। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है जो कि कंगना रनौत को लेकर है, जिसमें आपको बता दें कि जावेद अख्तर की अर्जी पर कोर्ट ने समन कर कहा 1 मार्च को पेश हो कंगना रनौत। जी हां बात करें कि मानहानि केस में मुंबई के अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट RR खान ने सोमवार को कंगना रनौत को समन जारी कर दिया। मजिस्ट्रेट ने मानहानि केस में जावेद अख्तर की ओर से एडवोकेट जयकुमार भारद्वाज की दलीलों को सुनने के बाद उन्हें समन जारी किया। गीतकार ने एक्ट्रेस के खिलाफ नेशनल टेलीविजन पर कथित रूप से बदनाम करने के लिए मानहानि का केस किया हुआ है। समन में कंगना रनौत को 1 मार्च 2021 को अदालत में पेश होने को कहा गया है। जुहू पुलिस स्टेशन ने मुंबई के अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को बताया है कि कंगना रनौत के खिलाफ लगाए गए आरोपों की और जांच किए जाने की आवश्यकता है। बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर और उनके वकील निरंजन मुंदरगी की सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट अदालत ने जुहू पुलिस को दिसंबर 2020 में मानहानि के आरोप में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया था। अदालत ने जुहू पुलिस को 18 जनवरी 2021 को एक रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया था, हालांकि उन्होंने और समय मांगा था। और दोस्तों में अगली खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जिसमें आपको बता दें कि चुनाव से पहले रथ यात्रा निकालने की तैयारी में बीजेपी, बंगाल सरकार से मांगी परमिशन। जी हां आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के आयोजन से पहले पश्चिम बंगाल में भाजपा ने राज्य सरकार से रथ यात्रा निकालने की अनुमति मांगी है। इससे पहले 2018 में भी भाजपा ने प्रदेश भर में इसी तरह की रथ यात्रा निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसके लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अंतिम समय में इसे रद्द करना
करना पड़ा था। प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी ने मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को लिखे एक पत्र में कहा कि भाजपा फरवरी महीने की शुरुआत से रथ यात्रा के रूप में राज्य भर में 5 रैलियां करना चाहती है। पत्र में कहा गया है कि राज्य की भाजपा इकाई ने फरवरी और मार्च के महीने में यात्रा के रूप में राज्य भर में शांतिपूर्ण तरीके से राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन का निर्णय लिया है। 5 खंडों के जरिए सभी विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण किया जाएगा और प्रत्येक यात्रा में एक रथ शामिल होगा और ये एक ही समय में राज्य के विभिन्न हिस्सों और क्षेत्रों में जाएगा। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म कहाँ हुआ था। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि जनता के लिए 6 फरवरी से खुलेगा राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन, फ्री में होगा रजिस्ट्रेशन। जी हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की महामारी के कारण बंद किए गए राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन को एक बार फिर जनता के लिए खोलने का फैसला किया गया है। ये लॉकडाउन के बाद से अभी तक बंद था और अब जब कोरोना संक्रमण पर तकरीबन नियंत्रण पा लिया गया है तो इसे जनता के लिए 6 फरवरी से खोले जाने का निर्णय हुआ है। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी एनआई के अनुसार शनिवार और रविवार सरकारी छुट्टियों को छोड़कर भी ये खुला रहेगा और यहां जाने वाले लोगों के लिए निर्देश भी जारी किए गए जिनका उन्हें पालन करना होगा। दरअसल दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन खासा मशहूर है, इसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। 10 माह पूर्व से इसे कोरोना संक्रमण के कारण बंद कर दिया गया था, अब एक बार फिर इसे 6 फरवरी से खोला जा रहा है। राष्ट्रपति भवन की इस बगिया में ढेरों किस्म के गुलाब और ट्यूलिप के फूल मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ जापान और जर्मनी के फूलों का रंग भी देखने को मिलता है। मुगल गार्डन को बेहद खूबसूरती के साथ तैयार किया गया है। मुगल गार्डन के भीतर 12 गार्डन हैं जो अपनी गुणवत्ता के लिए मशहूर हैं। इनमें मुख्य रूप से मुगल गार्डन रेक्टेंगल लॉन व सर्कुलर 3 हिस्सों में बटा है। इसके साथ रोज गार्डन, बायोडाइवर्सिटी पार्क, म्यूजिकल फाउंटेन, हर्बल गार्डन, बटरफ्लाई सनस्क्रीन गार्डन, कैक्टस गार्डन, न्यूट्रिशन गार्डन व बायो फ्यूल पार्क स्थित हैं। गार्डन में कई शानदार फव्वारे भी हैं जो यहां आने वाले लोगों का मन मोह लेते हैं। राष्ट्रपति भवन में म्यूजियम भी है जहां कई ऐतिहासिक वस्तुओं को संरक्षित कर रखा गया है। और दोस्तों, मैं अगली खबर निकल कर आ रही जिसमें हरसिमरत कौर बोली, कहा किसान उनके दर पर खड़े हैं, पीएम मोदी अब भी फोन कॉल की बात कर रहे हैं। जी हां, बात करें कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट 2020-21 पेश किया। वहीं एनडीए सरकार में पूर्व में मंत्री रह चुकी शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने इस बजट को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। आपको बता दें, कृषि कानूनों के विरोध में एनडीए को हमेशा के अलविदा करने वाली हरसिमरत ने कृषि कानून को लेकर ही बयान दिया है। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया तो हरसिमरत कृषि कानूनों के विरोध में सदन से बाहर निकल गई थी। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ शुक्रवार को बजट सत्र की शुरुआत के दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संयुक्त अभिभाषण का 18 विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया था। गौरतलब है कि बीते रविवार को पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा था कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है, जिस पर तंज कसते हुए हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार अब भी फोन कॉल की बात कर रही है जबकि किसान उनके दर पर खड़े हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत ने कहा कि ये शर्मनाक है कि ठंड में किसान महीनों से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन संसद में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन या फिर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में इसका कोई जिक्र नहीं था। उन्होंने मीडिया को दिए साक्षात्कार में कहा कि इस प्रदर्शन में अब तक 100 लोगों की जान चली गई। करीब 3 महीने से ये किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वे अपनी आवाज सुने जाने के इंतजार में सचमुच सरकार के दर पर बैठे हैं लेकिन मोदी अभी भी एक फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय की मांग यह है कि 11 बार की बातचीत के बाद अब किसानों की मांग मान लेनी जाए और उन्हें यह आश्वासन दिया जाए कि अब किसी को जान देने की जरूरत नहीं है, हम अब भी फोन कॉल की बात कर रहे हैं, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि शराब के शौकीनों को लगा झटका, आज से महंगी हो जाएगी ब्रांडी, विस्की और स्कॉच। जी हम बात कर रहे हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट में शराब एग्री इंफ्रा सेस 100% लगा दिया है। ये सेस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस स्कीम के तहत लगाया गया है। ये सेस सभी अल्कोहल प्रोडक्ट, ब्रांडी, विस्की और स्कॉच आदि सभी पर लग रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये सेस लगाते समय हमने इस बात का ध्यान रखा है कि ग्राहकों पर बहुत अधिक भार ना पड़े। 100% सेस फॉर्मेटेड बेवरेजेस पर भी लागू होगा। और दोस्तों में अगली खबर में जान लेते हैं कि है देश भर में सोने या चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सोने के दाम में जबरदस्त गिरावट, चांदी की कीमत में भारी उछाल, जाने क्या चल रहे हैं रेट। जी हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति राजधानी में सोमवार को सोने के दाम में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को सोने के दाम में 1324 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई। इससे दिल्ली में सोने का मूल 43,520 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। इससे पिछले सत्र में सोने का मूल 48,844 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक केंद्रीय बजट में सोने एवं चांदी पर आयात शुल्क में कमी के ऐलान के बाद सोने के भाव में ये उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली है। आपको बता दें कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक सोने के विपरीत चांदी की कीमतों में सोमवार को जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सिक्योरिटीज के मुताबिक चांदी की कीमत 3,461 रुपए की भारी बढ़त के साथ 72,470 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए। इससे पिछले सत्र में चांदी की कीमत 69,009 रुपए प्रति किलोग्राम पर चांदी की कीमत थी। और अब दोस्तों वही जान लेते क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, पहाड़ों पर बर्फबारी तथा दिल्ली एनसीआर में बारिश के आसार। जी हम बात करें कि उत्तर भारत इन दिनों भीषण ठंड का सामना कर रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी जारी है जिसकी वजह से सर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर समेत पश्चिम यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे इलाकों में हल्के से घने कोहरा रहने का अनुमान है। स्काईमेट के अनुसार पहाड़ी राज्यों से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और बारिश देखने को मिलेगी जिसकी वजह से ठंड और बढ़ेगी। इसी विक्षोभ का असर मैदानी इलाकों पर भी दिखेगा जहां हल्की बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश और खासकर उसके पूर्वी हिस्से में जारी कड़ाके की सर्दी का प्रकोप जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी गलन और ठिठुरन भरी सर्दी है। राजस्थान के भीलवाड़ा, झुंझुनू व सीकर जिले में भी शीतलहर का अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।